इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 एलियन मूवीज़ के बारे में बताऊंगा। मैं जितनी भी मूवीज़ के बारे में बताऊंगा वे सभी मूवीज़ एलियंस और अदर प्लैनेट पर आधारित है। और हाँ, अगर आपको इस लिस्ट की किसी भी मूवी को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको इस लिस्ट की हर एक मूवीज़ मिल जाएगी। आप इस लिस्ट की हर एक मूवीज़ को उस एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं STAB यूट्यूब चैनल। इस लिस्ट की जो हमारी नंबर 10 की मूवी है उस मूवी का नाम है प्रोमेथियस। इस फिल्म में यह दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करने वाले और कोई नहीं एलियंस ही थे। एलियंस ने इस पृथ्वी पर बैक्टीरिया को लाकर छोड़ दिया और वही बैक्टीरिया समय के साथ ट्रांसफॉर्म होते हुए इंसान बने। और जब इंसान बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं तब वे जीवन की तलाश में दूसरे ग्रहों पर जाते हैं और उन्हीं ग्रहों पर उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। इस फिल्म की स्टोरी अपने समय से काफ़ी आगे की दिखाई जाती है और यह फिल्म पूरी की पूरी साइंस फिक्शन वाली फिल्म है। जिन लोगों का साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है उन्हें यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। अब जो हमारी नंबर 9 की मूवी है उस मूवी का नाम है वार ऑफ द वर्ल्ड। इस फिल्म में यह दिखाया जाता है कि एलियंस ने हमारी पृथ्वी पर हमला कर दिया है और पृथ्वी पर चारों ओर वे तबाही मचा रहे हैं। आर्मी की पूरी फोर्स उन्हें रोकने में लगी हुई है लेकिन वे उन्हें रोक नहीं पा रही है क्योंकि एलियंस के पास एक सुरक्षा कवच है जिसे हम इंसान भेद नहीं पा रहे हैं और एलियंस की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। एलियंस के अटैक से हमारी पृथ्वी कैसे बचती है यह तो आपको फिल्म में ही पता चलेगा। इस फिल्म में एक्शन बहुत ही दमदार है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। नंबर 8 की जो हमारी मूवी है उस मूवी का नाम है पीडिएटर। पीडिएटर मूवी पर अब तक 6 फिल्में आ चुकी है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पीडिएटर मूवी के टोटल 4 पार्ट्स हैं और एलियन वर्सेस पीडिएटर मूवी के 2 पार्ट्स हैं, तो हो गई 6 फिल्में। ये सभी फिल्में आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन सभी फिल्मों में एलियंस और इंसानों के बीच की लड़ाई को दिखाया गया है। दूसरे ग्रहों के एलियंस बार बार पृथ्वी पर आते हैं पृथ्वी के लोगों को मारने के लिए और किसी किसी फिल्म में एलियंस भी साथ आते हैं जो पीडिएटर से लड़ने में इंसानों की मदद करते हैं। इसके सभी पार्ट्स में आपको एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा तो यह फिल्म आपके लिए एक अच्छी च्वाइस हो सकती है। नंबर 7 की जो हमारी मूवी है उस मूवी का नाम है एज ऑफ टुमारो। इस फिल्म की स्टोरी दूसरी फिल्मों से बहुत ज़्यादा अलग है। इस फिल्म के मेन हीरो टॉम क्रूज रहते हैं। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि एलियंस ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है और आर्मी की पूरी फोर्स एलियंस से लड़ रही है। एलियंस के पास ऐसी पावर होती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली सभी चीज़ों का पहले से ही पता होता है, जिसकी वजह से एलियंस हारते ही नहीं हैं। एलियंस की यही भविष्य देखने वाली पावर गलती से टॉम क्रूज के पास आ जाती है। टॉम क्रूज को भी भविष्य में होने वाली सभी चीज़ों का पहले से ही पता चलने लगता है। अब आगे क्या होता है, कैसे पृथ्वी वाले एलियंस से जीतते हैं यह तो आपको फिल्म में ही देखने पर पता चलेगा। इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और एक्शन भी बहुत ही अलग लेवल का है तो यह फिल्म आप ज़रूर देखिएगा। नंबर 6 की जो हमारी फिल्म है उस फिल्म का नाम है मैन इन ब्लैक। इस फिल्म के अब तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं और इसके सभी फिल्मों में एक्शन कॉमेडी और फैंटेसी है। इसके सभी पार्ट्स में आपको बहुत ही अजीब तरह के दिखने वाले एलियंस मिलने वाले हैं। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है कि अर्थ पर एक ऐसी एजेंसी होती है जो एलियंस से संपर्क में रहती है और उनका एलियन से काफ़ी अच्छा तालमेल रहता है, लेकिन इस एजेंसी के बारे में अर्थ पर किसी भी दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है। यह एजेंसी छुपकर अपना काम करती है। यह एजेंसी उन एलियंस को पकड़ती है जो अर्थ पर इलीगल तरीके से आते हैं और इलीगल तरीके से व्यापार करते हैं। यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। नंबर 5 की जो हमारी मूवी है उस मूवी का नाम है एंडर्स गेम। इस फिल्म की कहानी अपने समय से काफ़ी आगे की दिखाई जाती है। फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कि भविष्य के बच्चों को जंग की तैयारी करवाई जा रही है और ये तैयारी उन्हें वीडियो गेम्स खिलवाकर की जाती है। पृथ्वी पर जो भी बच्चे वीडियो गेम्स खेलने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं उन्हें चुनकर स्पेस में ले जाया जाता है जहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद उनका टेस्ट लिया जाता है और जो भी बच्चे उस टेस्ट में पास होते हैं उन्हें एलियन से लड़ने के लिए भेजा जाता है। इस फिल्म में हमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और यह फिल्म एक नोवेल पर आधारित है
जिसे 1985 में लिखा गया था। जो लोग अपना काफ़ी ज़्यादा समय वीडियो गेम्स खेलने में बिताते हैं उन्हें यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। नंबर 4 की जो हमारी मूवी है उस मूवी का नाम है वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स। जैसा कि इस फिल्म का नाम है यह फिल्म भी बिल्कुल वैसी ही है। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि एक अल्फा नाम का मेट्रोपोलिस है जहाँ पर एलियंस और ह्यूमंस अपनी टेक्नोलॉजी, अपना इंटेलिजेंस और अपना सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन अभी यह खतरे में है और इसी खतरे से निपटने के लिए दो एजेंट्स को असाइन किया जाता है जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं। इस मूवी की CGI बहुत ही कमाल की है और ग्राफिक्स तो ऐसी है जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, और सभी कुछ बहुत ही रियल है। इतना ज़्यादा रियल है कि आप नॉर्मल दुनिया और रियल दुनिया में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। यह फिल्म एक देखने लायक फिल्म है। अब जो हमारी नंबर 3 की मूवी है उस मूवी का नाम है बैटल शिप। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि समुंदर में नेवी की टीम युद्ध का अभ्यास कर रही होती है, तभी वहाँ एक बहुत बड़ा एलियंस का स्पेसशिप लैंड करता है और एलियंस हमला कर देते हैं। एलियंस की टेक्नोलॉजी ह्यूमन टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती है। अब आगे क्या होता है यह तो आपको फिल्म में ही पता चलेगा। दुनिया के सबसे बेहतरीन VFX आर्टिस्ट ने मिलकर इस फिल्म को बनाया था और इस फिल्म में एक्शन बिल्कुल अलग लेवल का है। पूरी की पूरी फिल्म समुंदर के बीच हुई लड़ाई को दिखाया गया है और यह फिल्म एक बेहद कमाल की फिल्म है, तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा। नंबर 2 पर जो हमारी मूवी है उस मूवी का नाम है स्टार वार्स। स्टार वार्स सीरीज पर अब तक 9 फिल्में आ चुकी है और इस सभी की सभी फिल्में सुपर हिट थी। इस सीरीज की सभी फिल्में एलियंस और अदर प्लैनेट्स पर आधारित हैं और इन फिल्मों में जमकर VFX और CGI का इस्तेमाल किया जाता है। स्टार वार की सबसे पहली फिल्म 1977 में आई थी और उस फिल्म ने तो पूरी दुनिया में ही धूम मचा दिया था, और उसके बाद इसके कई सारे पार्ट्स आए और इसके सभी पार्ट्स हिट हुए और इस फिल्म के सभी पार्ट्स देखने लायक है। नंबर 1 पर जो हमारी मूवी है उस मूवी का नाम है स्टार टेक। स्टार टेक सीरीज पर अब तक 13 फिल्में आ चुकी है, लेकिन मैं इन 13 फिल्मों को आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके लास्ट के जो 3 फिल्में हैं वह सबसे बेस्ट फिल्में हैं। पहली स्टार टेक, दूसरी स्टार टेक इनटू डार्कनेस और तीसरी स्टार टेक बियॉन्ड। ये तीनों फिल्में सबसे बेस्ट फिल्में रही है और एलियन लाइफ के ऊपर इन तीनों फिल्मों का जवाब नहीं है। इन फिल्मों की कहानी अपने समय से काफ़ी आगे की दिखाई जाती है। इन फिल्मों में जमकर एक्शन और बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई जाती है जो इस फिल्म को और भी ज़्यादा रोमांचित करती है। तो इस लिस्ट की यह सबसे बेस्ट फिल्म है, आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको इस लिस्ट की किसी भी मूवी को डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक है, उस एप्लीकेशन की मदद से आप इस लिस्ट की सभी मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी में। तो अभी जाइए उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इन मूवीज़ को डाउनलोड कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।